करते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य को सच कर दिखाया है हरनौत प्रखंड अंतर्गत नीमा कॉल गांव के छठी क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे सोनू कुमार ने। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बेगा गांव पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बेगा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस जनसंवाद में अपनी जनसंवेदना को लेकर 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुँच गया। बच्चे के जनसंवाद में पहुँचते ही मौजूद लोगों में हलचल मच गई। हम आपको बता दें कि सोनू मुख्य रूप से हरनौत प्रखंड के नीमा कॉल गांव का निवासी है। इसके पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू कुमार ने जनसंवाद में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर कड़वे सच को कहने का काम किया। छोटे से बच्चे ने अपनी आपबीती सुनाई। उस बच्चे ने नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी पर सीएम नीतीश को अवगत कराया। सोनू ने बताया कि उसके पिता दही की दुकान से जो कुछ भी कमाते हैं उसका उपयोग शराब पीने में लगा देते हैं। शिक्षा देना नहीं आता, जिसका खुलासा उस खुद छोटे से बच्चे ने किया। बच्चे ने सीएम नीतीश की आंखों में आंखें डालकर शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी को असफल बताया, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार लगातार हर भाषणों में शराबबंदी और शिक्षा के बारे में कहते नहीं थकते हैं। बच्चे ने कहा, अगर सरकार हमें मदद करे तो मैं पढ़ लिख कर IAS IPS बनना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। हम सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसने हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे पासवान नगर जवाहर मल बाबा। तो सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एक आदमी शुरू कर रहे हैं और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब पुराने जो है हम पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे, उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो मान लिया लोग मतलब जो उनको बोले तो वो बोले। बच्चे की काबिलियत इसी से झलकती है कि सोनू कुमार छठी कक्षा में पढ़कर भी पांचवी कक्षा तक के 40 बच्चों को शिक्षा देकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है। वहीं इस छोटे से बच्चे की हिम्मत को देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए। सोनू ने कहा, मेरे पिता जिंदगी गुजारने के लिए दुग्ध उत्पाद बेचते हैं, लेकिन वो मेरी शिक्षा की परवाह नहीं करते। बच्चे ने आरोप लगाया कि उसके पिता जो कुछ भी कमाते हैं वो शराब पर खर्च कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। बालक ने ये भी दावा किया कि अपनी पढ़ाई के लिए वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।